हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ फुटबॉल खेल के ग्राउंड के मेजरमेंट्स के बारे में। दोस्तों कोई भी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम हो चाहे अदर एग्जाम्स हो, ज़्यादातर फिजिकल एजुकेशन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में तो मेजरमेंट से मोस्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं फुटबॉल खेल के ग्राउंड के मेजरमेंट्स के बारे में। दोस्तों इसका ग्राउंड उत्तर दक्षिण दिशा में बनाया जाता है और आयताकार होता है। दोस्तों एक बात मैं बता दे रही हूँ कि केवल ओनली खो खो ग्राउंड का मैदान ऐसा है जो पूरा पश्चिम दिशा में बनाया जाता है, इसलिए वो मोस्टली पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा गेम है जिसका ग्राउंड पूरा पश्चिम दिशा में बनाया जाता है, तो खो खो। ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन खो खो ऐसा है जिसका पूरा पश्चिम दिशा में ग्राउंड बनाया जाता है। तो देखते हैं आगे, फुटबॉल खेल के ग्राउंड का लंबाई जो है 90 से 120 मीटर, गज में 100 से 130 गज होता है, चौड़ाई 45 से 90 मीटर यानी गज में 50 से 100 गज, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में थोड़ा डिफरेंट होता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लंबाई 100 से 110 मीटर, गज में 110 से 20 गज, चौड़ाई 75 से 64 मीटर, गज में 70 से 80 गज। दोस्तों एक बात बता दे रही हूँ कि आप मीटर याद कर लेंगे तो गज भी याद हो जाएगा, क्योंकि मीटर और गज में बस थोड़ा ही डिफरेंट होता है। जैसे 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है तो 91 सेंटीमीटर में 1 गज होता है, तो उससे अनुमान लगा सकते हैं। तो एक याद कर लेंगे, दूसरा थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो ऐसे में आपको याद करने में आसानी होगा। दोस्तों इसके मैदान को दो भागों में सेंटर लाइन के द्वारा बांटा जाता है। इसके लाइन की जो मोटाई होती है, जो मेजर किया जाता है लाइन, तो लाइन की मोटाई को 5 इंच रखा जाता है, 5 इंच यानी 12.5 सेंटीमीटर। दोस्तों 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। मध्य वृत्त का अर्धव्यास 10 गज यानी 9.15 मीटर होता है। गोल क्षेत्र यानी गोल एरिया जो होता है वो 20 × 6 गज यानी 18.32 × 5.5 मीटर यानी 20 × 6 गज यानी 20 गज, ये हमारा लंबाई हो गया गोल एरिया का 20 गज यानी 18.32 मीटर, और गोल एरिया का जो चौड़ाई हुआ ये 6 गज यानी 5.5 मीटर। पेनाल्टी क्षेत्र, पेनाल्टी क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई होता है 44 × 18 गज यानी 40.32 × 16.5 मीटर। इसमें 44 गज ये पेनाल्टी क्षेत्र की यानी पेनाल्टी एरिया की लंबाई हो गया 44 गज, 44 गज को मीटर में 40.32 मीटर कहेंगे, और 18 गज पेनाल्टी एरिया की चौड़ाई हो गया 18 गज यानी कि 16.5 मीटर। पेनाल्टी स्पॉट गोल रेखा के मध्य से दूरी 12 गज और मीटर में 11 मीटर दूर गोल रेखा के मध्य से होता है। पेनाल्टी आर्क जिसका अर्ध व्यास जो होता है 10 गज होता है, जिसका मध्य बिंदु जो होता है पेनाल्टी स्पॉट होता है। कॉर्नर क्षेत्र का अर्ध व्यास 1 गज होता है यानी 0.914 मीटर। अब हम जानते हैं फुटबॉल के गोल पोस्ट के बारे में। गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट यानी 2.44 मीटर होता है, और गोल पोस्ट की चौड़ाई 24 फीट यानी 8 गज
और मीटर में 7.32 मीटर होता है और गोल पोस्ट का व्यास 5 इंच यानी 1.25 सेंटीमीटर होता है और गोल पोस्ट यानी फुटबॉल के गोल पोस्ट का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। अब हम बात करते हैं फुटबॉल की बॉल की। फुटबॉल के बॉल का भार जो होता है वो 396 से 454 ग्राम होता है यानी 14 से 16 औंस होता है। बॉल की परिधि जो होती है वो 27 से 28 इंच यानी 68 से 70 सेंटीमीटर और बॉल की हवा का दबाव जो होता है वो 0.66 से 1.1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है बॉल की हवा का दबाव। फुटबॉल में ग्राउंड में प्रत्येक कोने पर झंडे होते हैं। झंडे की ऊंचाई 5 फीट प्रत्येक कोने पर। 2 झंडे ऑप्शनल होते हैं जिन्हें चाहे तो सेंटर लाइन पर टच लाइन से 1 गज की दूरी पर लगाया जा सकता है। झंडे के कपड़े की लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लंबाई और चौड़ाई कितना होता है फुटबॉल में 1.5 फुट लंबाई चौड़ाई होता है। निर्णायक अधिकारी होते हैं 1 रेफरी 2 सहायक रेफरी टेबल ऑफिशियल स्कोरर टाइम कीपर। फुटबॉल में मैच की अवधि 90 मिनट का होता है। पुरुषों के लिए 45-45 मिनट के 2 हाफ तथा दोनों हाफ के बीच में 15 मिनट का मध्यांतर होता है। महिलाओं के लिए 40-40 मिनट के 2 हाफ तथा दोनों हाफ के बीच 5 मिनट का मध्यांतर होता है। खिलाड़ी फुटबॉल में खेलने वाले खिलाड़ी 11 होते हैं गोलकीपर सहित पूरी टीम में 18 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में स्थानापन्न खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है और गोलकीपर सहित 3 मान्य है। तो फुटबॉल में स्थानापन्न खिलाड़ी पूछेगा तो 2 होगा यदि गोलकीपर सहित पूछेगा तो 3 मान्य है। तो दोस्तों ये था हमारे आज फुटबॉल खेल के ग्राउंड के मेजरमेंट्स के बारे में फुल डिटेल। इसके आगे भी मैं समस्त खेलों के मेजरमेंट्स के बारे में वीडियो बनाऊंगी और सभी खेलों के इतिहास उसके टूर्नामेंट ट्रॉफी और उसके रूल्स के बारे में डिटेल में बात आगे की वीडियो में करूंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।